हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं मोहरम की स्पेशल रोट। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसके लिए मैंने 9x9 इंच का केक टिन लिया है और इसमें थोड़ा सा घी ऐड करके सभी तरफ से मैंने ग्रीस कर लिया है। मैं इसको साइड में रख दूंगी। मैंने 2 कप रवा लिया है। ये 2 कप सूजी फाइन वाली है, मैंने इस कप से मेजर किया है। ये 240 ml वाला कप है। इसमें मैं 1/2 कप मैदा ऐड करूँगी। इसमें मैं 2 teaspoon बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। 1/2 teaspoon सॉल्ट ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी मैं साइड में रख दूंगी। मैंने 1 कप क्रीम लिया है, ये मेरी घर की मलाई है। इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क मिक्स करके इसको अच्छे से सॉफ्ट बनाया है। अगर आपको आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसमें 1 कप मिल्क भी ऐड कर सकते हो। इसमें मैं थोड़ा सा केसर ऐड करूँगी और इसको मिक्स करूँगी और इसको साइड में रख लूँगी। केसर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने एक बाउल में 250 ग्राम्स बटर लिया है। मैंने न्यूट्रालाइट यूज़ किया है। ट्रेडिशनली इसको घी में बनाया जाता है, आप घी भी ले सकते हो। इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 कप शुगर। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। आप 2 कप ऐड कर लें। फिर इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे और फिर हम बीटर चला लेंगे। इसको हम अच्छा वाइटिश होने तक बीट कर लेंगे। मैंने इसको अच्छे से 5 मिनट्स के लिए बीट किया है। क्रीम जो मैंने रखा था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क से इसको बहुत अच्छे से विस्क कर लें। इस तरह का येलो कलर मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। ये मैं ऐड करूँगी, थोड़ा सा हमें ऐड करना है। आप चाहो तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड कलर भी ऐड कर सकते हो। बहुत थोड़ा मैंने ऐड किया है। अब हमें इसको लाइट एंड फ्लफी होने तक बीट कर लेंगे। जितना अच्छे से बीट करेंगे उतना अच्छा हमारा रोट बनेगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 6 eggs। थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। एग्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये सूजी का मिक्सचर जो मैंने प्रिपेयर किया था। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 teaspoon इलायची पाउडर। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 tablespoon रोज़ वाटर। अगर आप रोज़ वाटर नहीं ऐड करना चाहते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी है। अगर आपका बहुत थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसको प्रिपेयर्ड टिन में ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से लेवल कर लूँगी। इसको अब हम टैप कर लेंगे। अब बादाम और पिस्ते के स्लाइसेस हम इस पर डालेंगे। आप चाहो तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर में भी ऐड कर सकते हो जब आप बीट करोगे। अब मैंने थोड़ी सी खसखस ली है, वो मैं इसके ऊपर डालूंगी। ये ऑप्शनल है लेकिन ट्रेडिशनली इसको डाला जाता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब 180 डिग्रीज पर मैंने अवन को प्रीहीट कर लिया है। सेंटर रैक पर मैं इसको 40-45 मिनट्स बेक कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको अभी बाहर निकाला है। अभी ये बहुत गर्म है, इसको अब मैं इसमें ठंडा करूँगी, वायर रैक पे रखूँगी, फिर आपको मैं कट करके बताऊँगी।
मैंने 40 मिनट्स इसको पूरे बेक किए हैं इस तरह स्क्वायर डाल के। मैंने चेक किया था, ये क्लीन आया है, इसका मतलब ये बन गया है। इसी में ही मैं इसको ठंडा होने दूंगी, इसको हम डिमोल्ड नहीं करेंगे। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, अब मैं इसको कट करके बताती हूँ। आपको जिस साइज में कट करना है आप कट कर सकते हो। आप देख सकते हैं इस तरह के अच्छे पीस हमारे निकल आए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और यमी बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।